हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओल्ड स्ट्रीट स्टोरी मॉन्गर। और आज मैं आया हूँ मनाली में। सो आप जो पीछे के नज़ारे देख रहे हैं ना, ये है मनाली में अभी जहाँ मैं रुका हूँ उस रूम से। नीचे से इतना प्यारा नज़ारा नहीं है, बट अभी मैं जहाँ रुका हूँ वहाँ से इतने प्यारे नज़ारे मुझे दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मौसम तो बहुत धूप टाइप का है और मंथ है जुलाई का, तो ऐसा प्रेफरेबल नहीं है कि जुलाई में ट्रैवल किया जाए, वो भी ऐसे हिल स्टेशन पे। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी बाय रोड जर्नी कर रहे हैं या बाय कार भी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा जो लैंडस्लाइड होता है ऐसा कुछ हो सकता है और आपकी जर्नी उतनी स्मूथ नहीं होगी। बट स्टिल वो तो हर कोई कर लेता है और हर कोई कर भी लेता है, और अपने पास मौका इसी टाइम का था, तो हम इसी टाइम पर यहाँ आके चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और हाँ, अभी जो कल्चर चल रहा है, जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उसी टाइप से एक वोकेशन भी आया है। यानी आप जहाँ कहीं घूम रहे हो तो वहीं से आप काम कर सकते हो, तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। और इसी के साथ घूम भी रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ और घूम भी रहा हूँ। तो ये मैंने अभी स्टार्ट किया है, जैसे तैसे पेरेंट्स को समझा के मैं निकल के आया हूँ। और आज मेरा ये पहला दिन है यहाँ पे। अब मैं रुका कहाँ हूँ ये भी देख लेता हूँ। तो ये है रूम, प्रॉपर सैनिटाइज्ड रूम है और बिल्कुल सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और अभी क्राउड अच्छा है, क्राउड है क्योंकि बहुत दिन बाद ये सब चीज़ें बंद हुई हैं, स्टार्ट हुई हैं, तो अभी क्राउड तो अच्छा आ रहा है। अब नहा धो के और आराम करके बिल्कुल तैयार हैं हम थोड़ा सा बाहर जाके देखने के लिए। आज ज़्यादा दूर तो नहीं आ पाएंगे, इसलिए आज बस यहाँ के जो देव हैं और जो देवियाँ हैं उनके दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ जो एक फेमस टेंपल है वो है हडिम्बा टेंपल। इसके बारे में अगर सुना होगा तो ठीक है, नहीं सुना होगा तो मैं बता ही रहा हूँ। और एक मनु टेंपल भी है, वो एक ऋषि मुनि के नाम पे है वो टेंपल। तो ये टेंपल भी अभी देखते हैं, अगर ये यहीं आसपास हुआ तो हम आज कवर करेंगे, अदरवाइज विल गो देयर टुमारो। तो चलें, अब हडिम्बा टेंपल है ओल्ड मनाली में और हम बस अब वहीं पहुंचे हैं। ये मंदिर देवदार पेड़ों के बीच में है और मनाली की एक टॉप लोकेशन पे है, और इसे डोंगरी टेंपल भी कहते हैं। हडिम्बा टेंपल बना है देवी हडिम्बा के नाम पर, और देवी हडिम्बा थी भीम की पत्नी और भीम थे पांडवों में से एक। अब पांडव कौन थे ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, सॉरी, तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो। और इसके अलावा देवी हडिम्बा पहले थी एक राक्षसी, उन्होंने अपने बुरे कर्मों के लिए इस एरिया में पश्चाताप किया था और फिर दुर्गा माता ने उन्हें राक्षसी से देवी का दर्जा दिया था, तो फिर वो कहलाई थी हडिम्बा देवी। मंदिर में दुर्गा माता के, यहाँ जो मंदिर है उसमें दुर्गा माता के भी फुटप्रिंट्स हैं जो कि 10 सेंटीमीटर के हैं, सॉरी, और उन्हें भी यहाँ प्रिजर्व करके रखा गया है। और मंदिर के अंदर देवी की मूर्ति है जो कि 6 सेंटीमीटर की हाइट पे है, और वो देवी की मूर्ति मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि यहाँ सब अंदर कैमरे अलाउ नहीं है। और इसी मूर्ति के पास हडिम्बा देवी तपस्या करती थी। मंदिर के निर्माण की बात करें तो वो हुआ है 1553 AD में, और उसे कराया गया है राजा बहादुर सिंह ने। अब मंदिर की छत, आप ये जो छत देख रहे हो, इस छत के स्ट्रक्चर के को कहा जाता है पगोड़ा शेप्ड। तो यहाँ की जितनी भी मंदिर हैं उनकी रूफ जो है पगोड़ा शेप्ड रूफ है, तो ये एक स्ट्रक्चर का टाइप है जो कि हो सकता है पहाड़ी जगहों पे होता हो, और ये टोटल लकड़ी से बनी हुई है। और आप देख सकते हैं आसपास, मतलब जानवरों के सिंह, भेड़, बकरी, बैल, गाय, तो ये सब हो सकता है पहले बलियां, बलि की जो प्रथा थी उस, और बलि के बाद और जानवरों के सिंह वगैरह को यहाँ लगाया गया हो, या फिर क्या पता क्या रीजन होगा। अब लोकल्स यहाँ आपदा से खुद को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ देवी के दर्शन के लिए आते रहते हैं। और मंदिर के आसपास पहले हडिम्बा देवी के भाई का खौफ था, और भीम ने वो हडिम्बा देवी के भाई का वध किया था उनसे युद्ध करके। तो ये था सब यहाँ के बारे में, और बस अभी मैं मंदिर में पहुंचने वाला हूँ, तो आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है कुछ।
चुके हैं अब हमें देवी के दर्शन, और अब हम जा रहे हैं घटोत्कच मंदिर की ओर। तो घटोत्कच मंदिर यहाँ हडिम्बा मंदिर से जस्ट 70 मीटर की दूरी पे है, और घटोत्कच हैं भीम और देवी हडिम्बा के पुत्र। तो ये मंदिर एक्चुअल में ट्री टेम्पल है, और आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर बहुत सारे सिंह लगे हुए हैं। और घटोत्कच का महाभारत की लड़ाई में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी था। घटोत्कच आधे ह्यूमन और आधे राक्षस थे, तो इसी वजह से इनका एक अलग रोल था। और ये पांडवों में सबसे बड़े पुत्र थे, पांडवों के जितने पुत्र थे ना, उनमें सबसे बड़े थे घटोत्कच। और घटोत्कच ने कुरुक्षेत्र में यानी महाभारत की लड़ाई में कर्ण, दुर्योधन, द्रोणा और अश्वत्थामा जैसे महारथियों से युद्ध लड़ा था। तो घटोत्कच की शक्ति से कौरव एक स्टेज पर इतना डर गए थे कि उन्होंने कर्ण से अपने यूनिक, जो कर्ण के पास उनका यूनिक शस्त्र था शक्ति अस्त्र, उसे यूज़ करने के लिए मजबूर कर दिया, और जो कि उन्होंने सिर्फ अर्जुन के लिए बचा के रखा था कि वो अर्जुन पर उस अस्त्र का उपयोग करेंगे। बट ये अस्त्र जो कि घटोत्कच के लिए यूज़ हो गया, तो इससे महाभारत की लड़ाई पांडवों के फेवर में थोड़ी सी झुक गई थी। तो ये था घटोत्कच के बारे में। तो ये एक बहुत महान योद्धा थे, और इन्होंने मरते वक्त भी अपने आप को उस स्थान पे गिराया था जहाँ पर जब शक्ति अस्त्र का उपयोग हुआ, तो वो जब घायल होकर गिरे तो वैसे स्थान पर गिरे जहाँ पर हज़ारों सैनिक उनके नीचे दब कर मर गए। तो इसी से आप समझ सकते हैं कैसी सोच के साथ वो युद्ध लड़ रहे थे। तो ये था घटोत्कच के बारे में। अब हम यहाँ से जाएंगे मनु टेम्पल। मनु टेम्पल बना है सेंट मनु के नाम पर, और उन्हें दुनिया का क्रिएटर भी माना जाता है। उन्होंने मनुस्मृति नाम के धर्मशास्त्र की भी रचना की है, और ऐसा माना जाता है जब वे धरती पर आए तब उन्होंने यहीं तपस्या की थी। तो बहुत खूबसूरत जगह है ये, अगर आप मनाली आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ, यहाँ एक अलग ही शांति मिलेगी आपको। और ये और मनु टेम्पल का भी स्ट्रक्चर हडिम्बा टेम्पल जैसा ही है। अभी हम थोड़ा सा, मैं आपको अंदर से थोड़ा ही दिखाऊँगा। और ये केवल एक ही मंदिर है जो मनु को डेडिकेटेड, जो साधु मनु को डेडिकेटेड है। और मनाली का नाम भी मनु के नाम से ही निकला है, मनु प्लस आलय, मनु आलय, और फिर धीरे धीरे वो मनु वो मनाली हो गया। तो यहाँ पे मूर्तियाँ हैं हमारे देवी देवताओं की, और बीच में मनु 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 देव का, मनु साधु मनु का टेम्पल है। तो यहाँ ऊपर तक आने के लिए आपको बहुत चुस्त गलियों से आना पड़ता है, बहुत छोटी सड़कें हैं, लोग आते जाते रहते हैं, कार बाइक सब ऊपर तक आता है, तो आप यहाँ आराम से आ सकते हैं। और इसके लिए मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मनु टेम्पल की कथा थोड़ी लंबी है। तो आप चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है मनु टेम्पल से रिलेटेड। तो अभी चलते हैं वापस हम अपने स्थान पर। अब आ गए हैं वापस अपने स्थान पर जहाँ हम रुके हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना था कि हमने हडिम्बा देवी टेम्पल विज़िट किया, मनु टेम्पल विज़िट किया। वो दोनों के बीच का डिफरेंस अप्रॉक्स 3.5 किलोमीटर है, और वो ओल्ड मनाली में है। और बाकी सब जानकारी मैंने जो उनकी हिस्ट्री है और जो भी मैथोलॉजी बोल लो या फिर हमारा जो कल्चर है उससे रिलेटेड जो भी था सब बता दिया मैंने आपको। अब अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपको कोई भी जानकारी ऐसी लगती है कि जो सही नहीं है या मैंने इनकरेक्ट बताई है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसको ठीक करूँगा, या फिर आई विल फील सॉरी फॉर द सेम बिकॉज कंटेंट तो बन चुका है, बट यस आई विल मेक श्योर डेट ऐसा दोबारा ना हो। तो ये सब था। तो आपको अब क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाले वीडियोज़ का आपको पता चल जाए। और वो कैसे पता चलेगा, जब आप उस बेल आइकन को दबाओगे, उस घंटे को दबाओगे, जिस तरह आप सब्सक्राइब बटन को दबाओगे लाल वाली, उसी तरह जब आप घंटे को दबा दोगे ना तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नया वीडियो डल गया भैया, तो आप देख लीजिएगा।
तो कुछ अच्छा ही दिखाऊंगा मैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि जो आपकी जानकारी भी बढ़ाएगा और आपका मनोरंजन भी करेगा। तो ये सब था, इसके अलावा बस आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो टुडे, हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।